मायसेल्फ पंकज यादव, आपका अपना YouTube चैनल मेडिकल साइन में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, विच इज 80:20 रेशियो का जो अभी किया गया है गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर, कि जिसके अंदर 80 फीमेल के अंदर रिजर्वेशन कर दी है और बाकी इसके अलावा 20 फॉर द मेल्स। जो नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए जो डीमोरलाइज हो चुके हैं, प्रिपरेशन छोड़ने का मन कर रहा है, तैयारी करने का मन नहीं कर रहा है, या फिर कोई भी ऐसी आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं इस चीज के प्रति, तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल बात समझा के, यानी कि मैं कोई अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर नहीं करने वाला, बट आपका एक्सपीरियंस आपको जो शेयर करने वाला हूं एकदम प्रैक्टिकल बात करेंगे। मेरे पास में ऑलरेडी 150-200 स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि सर इस पे एक बार वीडियो बनाए, हमें बताएं कैसे क्या करना है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रहेगी। बस आप इस वीडियो को पूरी देखना कि क्या क्या सच्चाई है इस चीज के पीछे, ठीक है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए, जो कि आपके बेनिफिट मिलेगा, विच इज जो टेलीग्राम के ऊपर डेली 2000 प्लस स्टूडेंट्स क्विज कर रहे हैं, दे रहे हैं ऑन सुबह डेली 11 बजे और शाम को 9 बजे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। एक बार मेरे कहने से वो जो क्विज है वो जरूर एक बार आप फाइट करके देखे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सच में बेनिफिट मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो आज का अपना नया जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। जैसे क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं कि सर मैं प्रिपरेशन कर रहा था बट ये 80-20 का रेशो जब से आया है उसकी वजह से सारा सब कुछ खराब हो गया और मैं तैयारी नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं आप उन स्टूडेंट्स को एक बात पूछना चाहता हूं कि देखो भाई, आप यही बोल रहे हो बार बार कि 80-20 का रेशो, पहले आप एक बार एक क्वेश्चन अपने आप से पूछ के देखिए कि आप उस क्वेश्चन, आप उस जो पेपर है, एग्जाम है, उस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। अभी रिसेंटली सिर्फ दो ऐसे इंस्टीट्यूट है जिसने ये 80-20 का रेशो होने के बाद में एग्जाम कंडक्ट करवाया। फर्स्ट वन विच इज नागपुर एम्स, द सेकंड वन विच इज पटना एम्स, पहले पटना एम्स का पेपर हुआ था। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जो 80-20 का रेशियो को गाली देते हैं, आपको इसको गलत बोलते हो कि ये नहीं होना चाहिए था, बट खुद के नंबर 80-100 जो कि उसकी कट ऑफ 150 के अप्रोक्सीमेट गई थी और जिसके अंदर से फिर खुद के नंबर 80-100 आ रहे हैं, यानी कि आप उस चीज के प्रति एलिजिबल ही नहीं हो और फिर आप उसको 80-20 का रेशियो अगर आप बता रहे हो। अच्छा, अब पहले तो आप अगर एलिजिबल होते हो तब तो फिर उसके बाद में आपकी बात एकदम जायज है और सच बात है। दूसरी बात, अगर आप 150 नंबर क्रॉस किया था पटना एम्स के अंदर और फिर उसके बाद में 80-20 का रेशियो की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो देखो मैं आप उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, तो अब क्या किया जा सकता है। देखो ये भारत सरकार है, यहाँ पे एक बार कोई चीज आ जाती है ना तो वो जाती नहीं है, और एक बार चली जाती है ना तो उसको लाने में टाइम लगता है। वो जो फिर इनको पता चलता है कि जो अभी क्या इश्यू बन चुका है उस चीज के प्रति, भाई इसको तो हटाना ही पड़ेगा, तो ही हटता है, वरना वो नहीं हटाते हैं। दूसरी बात, आप क्या कर सकते हो, आप अपनी प्रिपरेशन छोड़ सकते हो। देखो जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं ना सारे मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली के पीछे आपका बहुत बड़ा सपोर्ट है, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है आप अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़ सकते। देखो यार सिंपल सी बात, प्रैक्टिकल बात रहो, प्रैक्टिकल रखो अपने आप को। आपने 1.5-2 साल दिए हैं इस प्रिपरेशन के लिए और अब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा इस 80-20 के रेशियो के प्रति, तो आप अपनी प्रिपरेशन तो छोड़ नहीं सकते। पीछे आप कोई साइड बिजनेस कर नहीं सकते, क्योंकि अगर वो होता तो फिर आप कंपटीशन लाइन के अंदर ही नहीं आते। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप अपनी जो मेन प्रिपरेशन चल रही है उसको कंटिन्यू रखें, ठीक है। अब वो रखने के लिए अपने आप को जो मोटिवेशन होता है, वो मोटिवेशन सभी का अलग होता है कि भाई किसी का फाइनेंशियल कंडीशन होती है, किसी के मम्मी पापा चाहते हैं, किसी का खुद का ड्रीम है। आपका ड्रीम ये है कि आपका मेन जो सिलेक्शन है वो एम्स के अंदर हो। देखो अभी एम्स के अंदर सिलेक्शन होना नहीं होना थोड़ा डिफिकल्ट है, मुझे भी पता है नहीं हो सकता, इतना बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है, टफ हो चुका है कि भाई लोग इतनी जल्दी, अब 20 का जो रेशो कर दिया, 80-20 का जो रेशो कर दिया, उसके अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन आप बहुत सारे और भी तो एग्जाम्स हो रहे ना, आप उसको फाइट कीजिए। एसजीपीजीआई का भी पेपर होने वाला है तो वो पेपर कंडक्ट करवाएगा, तो उसके अंदर कोई 80-20 का रेशो नहीं है। प्लस इसके अलावा सीआरपीएफ का जो पेपर है उसके अंदर काफी अच्छी पोस्ट है, अच्छी रैंक के साथ में आपको मिलेगा, तो आप वो जॉब कर लीजिए। जब ये 80-20 का रेशो हटेगा, यानी कि ये तो कंफर्म है हटेगा, आज नहीं कल नहीं, साल 2 साल 2.5 साल 5 साल कभी ना कभी तो हटेगा,
बट उस टाइम के आप अपने आप को इतना डेडिकेटेड रखेंगे तो आपका उस टाइम पे भी हो जाएगा, बट उससे पहले आपको आपकी फैमिली के बारे में सोचना है। सबसे बड़ी बात ये है, आपको खुद के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में सोचना है कि भाई उसको मुझे आगे लेके जाना है, तो उसके लिए आपको अपना 100% देना है। वो चीज अब आप एम्स के लिए दो या फिर स्टेट लेवल के एग्जाम्स के लिए दो, बहुत सारे एग्जाम्स निकलते हैं यार, वेस्टर्न कोल फील्ड्स के अंदर निकलते हैं, जितने भी ये जो न्यूरोएटॉमिक्स वो जो जहाँ पे एनर्जी बनती है वहाँ पे निकलते रहते हैं, रावत बाटा वगैरह, और बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे 80-20 का रेशियो नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अच्छी मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है, मेरी इस वीडियो का जो मेन एम है वो ये है कि आप अपनी पढ़ाई खराब नहीं करें इस 80-20 रेशियो के चक्कर में। हाँ, अगर जिस दिन आपको ये लगता है कि ट्विटर पे ट्रेंडिंग करवाना है, आपको कहीं चलना है साथ में, तो सभी तैयार है। मैं ये नहीं कहता कि भाई क्या नाम आप जाइए नहीं, सभी जाओ, मैं भी जाऊंगा आपके साथ, मैं भी सब कुछ आपका सपोर्ट करूंगा, हर जगह सपोर्ट रहेगा हर जगह, लेकिन बस वो चीज उस टाइम के लिए बेस्ट है, लेकिन बाद में आके आप अपनी डेडिकेशन के साथ में वापिस से पढ़ाई करें, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करें। अब आप एक बात हो, आप ये बोलोगे सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है इस चीज के प्रति, तो एक बात हो, देखो सबसे पहले मैं सभी को ये सजेस्ट करता हूँ, टारगेट आई और पीआर यादव और आपके जो कोचिंग के नोट्स है एनक्लेक्स बेस्ड होते, तो वो कोचिंग के नोट्स, ये तीनों चीजें आप निकालो टाइम टू टाइम, एक सेपरेट नोटबुक बना लो फॉर टारगेट आई और पीआर यादव, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस आपको आते हैं वो आप निकाल ही लोगे, और बाकी जो आपके लिए नए पॉइंट होते हैं वो सारे एक सेपरेट नोटबुक के अंदर लिख लेना। जिस दिन आपके टारगेट आई निकलेगी, जिस दिन आपकी पीआर यादव निकलेगी, उस दिन आपके पास में दो नोटबुक होगी, एक पीआर की एक टारगेट की, उसके अंदर एक बार में आपकी पूरी दोनों गाइडें खत्म हो रही है। बाकी बाद में जब आपको रिवीजन करना होगा ना, तो आप टारगेट आई को पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम से पहले उस नोटबुक को पढ़ लेना, बाकी जो आपको आता था वो तो पहले से आता था, वो आप भूलने वाले नहीं हो, और जो नया डाटा होगा वो आपको याद हो जाएगा, या फिर नेक्स्ट डे जब आप वापिस से नया कोई सब्जेक्ट शुरू करते हो तो उस टाइम पे फिर एक बार उसे पहले रिवीजन कर लो। ये बेस्ट प्लान होता है अभी तक का, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो सच में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बाकी इसके अलावा दिमाग खराब ना करे, प्रैक्टिकल रहे, फैमिली के बारे में सोचे, खुद की पर्सनल लाइफ के बारे में सोचे, और पढ़ाई ना छोड़े, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करे, डेडिकेशन के साथ मेंटेन करे, कौन क्या चल रहा है क्या कर रहा है उससे आपको मतलब नहीं है, भीड़ के साथ ना चले, प्रैक्टिकल रहे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लाइफ आपकी है, आपको आगे लेके जानी है, ना कि किसी और को आगे लेके जानी है। कोई जॉब लग चुका ना उसको लगे रहने दो, कौन क्या बोलता है ना उस चीज से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपकी जिंदगी है, आपको आगे लेके जानी है। सच बात तो देखो यही है, लाइफ की प्रैक्टिकल रहो, आपको आज जो मेन एम्स है वो एग्जाम के अंदर आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा इस चीज के ऊपर फोकस ना करके आप अपने सेल्फ के ऊपर फोकस कीजिए कि हाँ मैं क्या उस एलिजिबल हूँ। अगर आप उस चीज के प्रति एलिजिबल हो रहे हो और 80-20 रेशियो की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है ना, तो फिर आपका लक फैक्टर काम नहीं कर रहा है, जो कि एक ना एक दिन करेगा, क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनका सभी का लक फैक्टर की वजह से रह रहे हैं, और जो एलिजिबल हो गए हैं 1.5 से 2 साल तक मेहनत कर चुके हैं और कंटिन्यू लगे हुए हैं, बट रिजल्ट 0 निकल रहा है, और ये रिजल्ट एक दिन 100% निकलेगा, आप यकीन मानिए सभी का हुआ है, आपका भी होगा। ये बात हर जो एक बहुत बड़े टीचर थे वो कहते थे, और ये बात सच बात है, आपका सभी का हुआ है, आपका भी हुआ, बस आप अपने आप को डेडिकेशन के साथ में उस चीज के प्रति रखिए। स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के आप देते रहिए, क्या पता उसमें हो जाए, अरे यार 10-20 हज़ार रुपए कम मिल जाएंगे, इससे क्या ज्यादा क्या हो सकता है। बाकी इसके अलावा आपको टाइम पीरियड तो मिल जाएगा कि हाँ यार आप 4-5 साल तक स्टेबल तो हो, या फिर लाइफ टाइम तक भी स्टेबल है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स भी बहुत अच्छे होते हैं, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से फाइट करो तो वो नौकरी भी अच्छी होती है, जरूरी नहीं है कि एम्स के अंदर ही आपका सिलेक्शन हो। हाँ, आपका अगर ड्रीम सिलेक्शन है कि भाई मैं एम्स में ही जॉब करूं, तो वो अभी पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप प्रिपरेशन ही छोड़ दोगे, या फिर पढ़ाई करना ही छोड़ दोगे, या फिर बार बार 80-20 का रेशियो बार बार बोलोगे। अरे यार ये चीज जितना आप दिमाग के अंदर रखोगे ना, तो ना आपकी प्रिपरेशन हो पाएगी, ना आप खुद को अपने आप को आगे रख पाओगे, ना आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ना आपका फिर नॉर्मल ये जो एनएचएम के एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर ही सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो बेटर अपने आप को यही है कि आगे रखे, पढ़ाई करते रहे, कॉन्टिन्यूटी रखे, जब आपको लगे कि हाँ सपोर्ट करना है तो वहां पे जरूर जाए, और कीप द ये जो स्पिरिट है इसको मेंटेन रखे। और इसके अलावा अगर फिर भी कोई ये लगता है कि नहीं ये चीज प्रॉब्लम है या फिर मैं नहीं कंटिन्यू कर पा रहा हूं, मैं टेलीग्राम के ऊपर
मैक्सिमम अवेलेबल रहता हूँ। आप कभी भी मेरे पास मैसेज कीजिए, कभी भी आप मेरे को बोलिए कि क्या आपको परेशानी है, क्या आपकी प्रॉब्लम है, हर चीज से लेके यानी कि पीडीएफ वगैरह, टॉपिक वगैरह, जो भी आपकी गाइडेंस चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है एट द फ्री ऑफ कॉस्ट। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर में उसके नंबर दे रखे हैं, आप उसके ऊपर टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए या फिर जो ग्रुप है उसके ऊपर ज्वाइन कीजिए। मैं आपको हमेशा अच्छा ही बताऊंगा और यानी कि आपको अच्छी गाइडेंस ही मिलेगी आपको आगे बढ़ने के लिए। प्लस में इसके अलावा अगर ये जो चैनल है, इस चैनल पे जो वीडियो डल रही है, ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, आपका ही बेनिफिट हो, आपके लिए ही है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है। अगर बाकी इसके अलावा मैं डेली एनक्लेक्स बेस्ड वीडियोस डालता हूँ सारे के सारे शॉर्ट एंड स्वीट, कोई भी आप वीडियो उठा के देखिए आपको सच में बेनिफिट मिलेगा, आसानी से समझ में आएगी। बाकी इसके अलावा मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन सभी भाइयों को, सभी को नमस्कार।